भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन का असर फिलहाल आजमगढ़ शहर में नहीं दिख रहा है। ये आम दिनों की तरह लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा जा सकता है। शहर के चौक पुरानी कोतवाली तकिया पर 11:30 बजे के करीब काफी संख्या में लोग सड़क पर नजर आए। शहर के कुछ दुकानदार आधा शटर खोले हुए थे। इनको देखने से ऐसा लगा कि इनको कोरोना का कोई खौफ नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का इनसे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। गौरतलब हो कि समूचे प्रदेश में 10 मई तक का लॉकडाउन लगा है। इस दौरान मेडिकल स्टोर, सब्जी फल के साथ किराने की दुकान खोलने की छूट है, ताकि लॉकडाउन के चलते लोगों को खाने पीने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ लोग मनमाने तरीके से घरों से निकलकर रोड पर घूमते देखे जा सकते हैं। पुलिस के बार बार मना करने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। यही नहीं, क्षेत्र के लोग भी बेहतरीन तरीके से दुकानों पर भीड़ लगा रहे हैं। रास्ते में भी लोग मोटरसाइकिल से फर्राटा भरते देखे जा सकते हैं। शहर कोतवाल द्वारा लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा चुकी है, लेकिन इन पर अब तक कोई असर नहीं हुआ है। आमतौर पर प्रतिदिन पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतिदिन गश्त लगाकर लोगों को लॉकडाउन के प्रति लोगों को हिदायत दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर से सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आने लगती है। इसके चलते क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का डर सताने लगा है।